बिहार में इन दिनों लगातार मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। बीते रविवार मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और उनको बताया है कि किस तरीके से बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्या बात हुई है और उसके बाद से आखिर मुकेश सहनी दिल्ली क्यों रवाना हो गए हैं, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी तापमान इन दिनों उफान पर है। भाजपा और वीआईपी के बीच बोचहा उपचुनाव को लेकर छिड़ी लड़ाई में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। मुकेश सहनी के संबंध आजकल बिहार में एनडीए के सबसे बड़े घटक भाजपा से तल्ख चल रहे हैं। ये वही भाजपा है जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को महागठबंधन छोड़ने के बाद एनडीए कोटे से सीट आवंटित की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा की बोचहा सीट को लेकर भाजपा की उम्मीदवारी से नाराज चल रहे मुकेश सहनी ने बीते रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। दरअसल बीते रविवार को दिन में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुकेश सहनी को लेकर एक बयान दिया था और कहा कि मुकेश सहनी एनडीए में बने रहें। मुकेश सहनी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी दिल्ली लौट गए। मुख्यमंत्री से मुकेश सहनी की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन आधे घंटे तक मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें बोचहा उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। मुकेश सहनी ने भाजपा के रवैये पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि भाजपा ने बगैर उनसे विचार विमर्श किए वहां सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के घटक के रूप में अभी बिहार में है और गठबंधन धर्म के तहत इस मसले पर किसी भी फैसले से पहले चर्चा की जानी चाहिए। मुकेश सहनी की इस मुलाकात के आने वाले दिनों में क्या परिणाम सामने आता है, यह बताना फिलहाल मुश्किल है। दरअसल भाजपा ने पिछले विधानसभा उपचुनाव में अपने कोटे से सीट के रूप में बोचहा को मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को आवंटित किया था। अब देखना यह होगा कि आखिर दिल्ली से आने के बाद मुकेश सहनी क्या कुछ करते हैं, उनकी अब क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी बीजेपी को लेकर के और एनडीए में बने रहने को लेकर के। ये तमाम जानकारी आपको देंगे, आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।